आप एक यूट्यूबर हैं ये हम जानते हैं। हर एक यूट्यूबर के मन में सवाल उठता है व्यूज को लेकर के। जो भी यूट्यूबर है उन सब के मन में एक सवाल उठता है कि उसके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आए, सदस्य जुड़े और उनको लाइक करें। अच्छे खासे व्यूज पाने के लिए आपके मन में सवाल उठता है कि मेरे चैनल पर जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ मेरे चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आए, सदस्य जुड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे दोस्त का वीडियो है, आपके मन में सवाल उठता है कि मेरे दोस्त का वीडियो है, चैनल है, उस पर जैसे ही वो वीडियो डालता है उस पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं और उसके सदस्य भी सब्सक्राइबर भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे चैनल पर ऐसा नहीं हो रहा। मेरा दोस्त ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसके चैनल पर इतने व्यूज आ रहे हैं और जबकि मेरे चैनल पर क्यों नहीं आ रहे? तो आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे पास में दो हाथ हैं। एक हाथ हमारा खुद का है, एक दूसरा यूट्यूब का है। जिस तरह से एक हाथ से ताली नहीं बजती उसी तरह से एक यूट्यूबर और यूट्यूब कंपनी दोनों के सहयोग के बिना व्यूज नहीं बढ़ते। व्यूज बढ़ाने के लिए दोनों का सहयोग होना जरूरी है। अगर एक यूट्यूबर अच्छा वीडियो बनाता है, अच्छे टाइटल धरता है, उसका टैग अच्छे लगाता है, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखता है, हैशटैग भी डालता है, तो उसका वीडियो चलेगा। लेकिन अगर YouTube नहीं चाहेगा तो उसका वीडियो चाहे वो कितना भी अच्छा बना ले बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। अगर YouTube चाहे तो आपका वीडियो को चाहे तुम कितना खराब से खराब वीडियो बना लो फिर भी तुम्हारे चैनल पर डाले गए वीडियो पर अच्छे अच्छे व्यूज आएंगे और सदस्य भी जुड़ने लग जाएंगे। तो वीडियो पर व्यूज आने का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है YouTube। अगर YouTube चाहे तो ही तुम्हारे चैनल पर व्यूज आएंगे, वीडियो पर व्यूज आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे तुम कितना भी अच्छा वीडियो बना लो। तो YouTube ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वीडियो में अच्छे व्यूज आते हैं? तो सबसे पहले काम होता है YouTube के पास, जैसे ही हम मोबाइल को ऑन करते हैं, ऑन करते ही शुरू में जो वीडियो दिखते हैं डिस्प्ले पर उसको बोलते हैं होम स्क्रीन, YouTube होम वीडियो। अगर YouTube इस तरह करता है तो जो पहले वीडियो खुलेंगे मोबाइल खोलते हैं उन पर व्यूज अच्छे आएंगे। दूसरा होता है YouTube रिकमेंडेशन। जैसे ही YouTube पर सर्च करते हैं हम कोई भी कीवर्ड डाल करके, तो जो ऊपर टॉप में आते हैं वीडियो सर्चिंग में उन पे व्यूज आते हैं, तो ये YouTube रिकमेंडेशन हो गया। फिर अगला है कि YouTube जब वीडियो चलाता है तो एक वीडियो के समाप्त होने के बाद में बताता है 4-5 सेकंड बचने के बाद कि अगला वीडियो ये आने वाला है ऑटो प्ले में, तो ऑटो प्ले के वीडियो भी अपने आप चलते हैं। तो इस तरह से YouTube 3 तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है अपनी तरफ से। फिर इसके अलावा और सजेशन में भी है, तो कई ऐसे टिप्स है YouTube के पास जो खुद तुम्हारे वीडियो को प्रमोट करता है और चलाता है। इसलिए अगर तुम ये कभी सोचना मत कि हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें शायद कोई कमी रह रही है इस वजह से हमारा वीडियो नहीं चल रहा, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। तुम्हारे वीडियो बिल्कुल सही होते हैं, कोई कमी नहीं होती है, बस कमी होती है सिर्फ YouTube की कमी होती है। YouTube वाले तुम्हारे वीडियो को कब मौका देंगे, क्योंकि एक तरह से
वेटिंग चलती रहती है। जिस तरह से हम किसी दुकान पर जाते हैं, राशन की दुकान पर, तो लाइन लगी रहती है। तो लाइन लगी रहने के बाद में जैसे ही तुम्हारा नंबर आता है, वो क्या करते हैं कि एक एक चैनल को प्रमोट करते हुए जाते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, फिर अगला चैनल उठाते हैं, फिर उसको प्रमोट कर देते हैं, फिर उसके बाद में अगला जो चैनल आएगा उसको प्रमोट करेंगे, फिर उसको प्रमोट होने के बाद में अगले को नंबर पर लेंगे। तो इस तरह से एक एक करके चैनलों का प्रमोट किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारे चैनल का नंबर कब आएगा ये पता नहीं। कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिनका तुरंत ही नंबर आ जाता है, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिनका 2-3 महीने लग जाते हैं, किसी का 6 महीने लग जाता है प्रमोट होने में YouTube की तरफ से, कुछ चैनल ऐसे होते हैं जिनको 1 साल लग जाता है, किसी का 2 साल में नंबर आता है। तो इस तरह से कई वक्त लग जाते हैं। तो आप तो बस अच्छे वीडियो बनाते रहिए, ओरिजिनल वीडियो बनाएं, ओरिजिनल कंटेंट लेकर के किसी को कॉपी नहीं करें, क्योंकि कॉपी करने से दिक्कत ये होती है कि पहली बार तो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन डाल करके तुम्हारे चैनल को बंद कर सकता है। फिर अगला ये होता है, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं आया तो अगला जो जिसका तुमने वीडियो कॉपी किया है वो तुम्हारे चैनल पर स्ट्राइक दे सकता है, और इस तरह से 3 स्ट्राइक मिलने के बाद तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा, और तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो तुम्हारा चैनल वापस नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा व्यूज पाने के चक्कर में, लाइक पाने के चक्कर में और सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में गलत वीडियो नहीं डालें, गलत टाइटल नहीं डालें, गलत हैशटैग नहीं डालें, सिर्फ वो ही डालें जो तुम्हारे वीडियो में है। रही थंबनेल की बात, थंबनेल भी आप वही लगाएं जो वीडियो में है, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करें, थंबनेल में गलत पिक्चर का उपयोग नहीं करें। अगर किसी भी दिन YouTube को पता चल जाता है कि तुमने थंबनेल गलत लगा रखा है, कम्युनिटी गाइडलाइन के विरुद्ध है, तो उसी दिन तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा, चाहे तुम्हारे चैनल पर कितने भी सदस्य जुड़ चुके हैं, कितना भी वॉच टाइम हो चुका है। इसलिए इनका विशेष से ध्यान रखें। YouTube पर काम करने से पहले आपको YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन पूरी तरह से आपको आनी चाहिए, तब जाकर के आप YouTube पर काम कर सकते हैं और अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे भी 2 चैनल थे जो बंद हो चुके हैं, वो इसी वजह से बंद हुए थे क्योंकि मैंने किसी दूसरे का वीडियो रिमिक्स करके, यानी कि रिमिक्स करके डाल दिए थे। रिमिक्स तो नहीं कहेंगे उसको, उसको कहेंगे उसको एडिट करके डाला था। रिमिक्स पर तो हाँ, रिमिक्स पर भी स्ट्राइक आई हुई है, तो रिमिक्स पर भी स्ट्राइक आ जाती है। अगर किसी ओरिजिनल लाइसेंसधारी वीडियो है, जैसे कि अपने जो टीवी चैनल होते हैं उन पर चलने वाले वीडियो है, जैसे रामायण का है, कृष्ण लीला का है, तो ये वीडियो हमेशा चाहे तुम रिमिक्स में डालोगे तब भी इन पर कॉपीराइट आएगा, और चाहे तुम एडिट करके डालोगे तब भी कॉपीराइट आएगा। तो आपको ज़रूरी है कि आप YouTube का अच्छी तरह से अध्ययन करें और फिर उस पर काम करें, जिससे कि आपको आपके चैनल को बंद होने से बचाया जा सके। धन्यवाद।